हेलो एवरीवन, तो आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट के फैक्ट के बारे में। तो अगर आप या आपके जानने में कोई भी निफ्ट में एडमिशन लेने जा रहा है या फिर ले रहा है तो उसे ये फैक्ट ज़रूर बताइएगा कि निफ्ट एक्चुअली में है क्या। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। तो अब शुरू करते हैं बारे में। गाइस, आप सबको लगता होगा कि मतलब जो भी अभी निफ्ट में नहीं गए हैं, जो भी क्लास 12th में है और निफ्ट में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को मोस्टली मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि मैम वहाँ जाने के बाद हमें कितनी सैलरी मिल जाएगी और प्लेसमेंट कितने की होती है। तो गाइस, ये सब तो पहले आप भूल ही जाओ, पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। निफ्ट बस आपको, निफ्ट एंट्रेंस जो है वो बस आपको कॉलेज में पहुँचाएगा, और कॉलेज में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। मे बी ऐसा भी हो कि आपको 20,000 की जॉब करनी पड़ जाए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए कि निफ्ट में जाने के बाद आप बिल्कुल सबसे बड़े डिज़ाइनर बन जाओगे और आप ही सबसे ज़्यादा अर्न करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव हो जाओ या फिर आप अपने पॉजिटिविटी के बारे में सोचो मत, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, जैसे आप निफ्ट एंट्रेंस करके वहाँ पे जाते हो, ठीक है, आपके साथ वही बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो एक्चुअली निफ्ट एंट्रेंस क्रॉस करके आपके पास तक आते हैं, ठीक है। अब उन बच्चों के साथ बैठ के आपको उनसे भी बेटर काम करना है, उनसे भी बेटर होना है। तो सिर्फ ये जो चीज़ मैंने बोला है उनसे बेटर होने का और उनसे अच्छा काम करने का, ये चीज़ बस क्लास में अप्लाई नहीं होती कि क्लास में आपको उनसे अच्छे नंबर लाने हैं। लाइक ये आपका स्कूल वाला थिंग था, स्कूल में था ये सारी चीज़ें कि आपको उनसे अच्छा नंबर लेना, फर्स्ट आना है तो आप अच्छे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, वहाँ आपको निफ्ट में सबसे बेटर बनने के लिए अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिलती है वो बिल्कुल गंवानी नहीं चाहिए, एक भी गंवानी नहीं चाहिए आपको। लाइक आपको इंटर्नशिप मिल रही है 6 महीने में, मिल रही है 5 महीने, मैं तो बोल रही हूँ आपको हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाहिए, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा। और जो इतने सारे फंक्शंस और इसमें ये सारी चीज़ें होती रहती है, इसमें आप पार्ट लीजिए ताकि एटलीस्ट आप क्लास कॉलेज में जाने जाओ कि हाँ आप भी कोई हो, आप भी इस कॉलेज में एग्जिस्ट करते हो। तो कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ अब बिल्कुल स्मूथली चलने वाली है और आपको जॉब मिलने वाला है, ऐसा एकदम नहीं है। इस ख्याल से तो बिल्कुल बाहर आ जाइए आप लोग और रियल लाइफ में जिए। जो निफ्ट की रियल लाइफ है वो है एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, यानी कि आपको चारों साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इतना स्ट्रगल करना है कि आपके क्लास के जो 40, 45, 50 बच्चे हैं उनमें से आप आगे जा सको। तो उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस बेटर करना होगा, कॉलेज में टीचर्स फैकल्टी को जानना होगा, फैकल्टीज़ के बहुत से सोर्सेज होते हैं, अदर इंटर्नशिप, अदर उनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जानना होगा। जब आप फैकल्टी से बात करोगे तो फैकल्टी को आपके बारे में समझ आएगा, तो वो हो सकता है कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए वो आपको कहीं पे सजेस्ट कर दे। तो इससे बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफस्टाइल पे और आपका एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये 4th ईयर तक आपका चलने वाला है, इसलिए काफ़ी मतलब आप एकदम अवेयर रहो कि हाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये कौन सी छुट्टी आने वाली है कि मैं इसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो बेसिकली यही करना है और कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि निफ्ट जाने के बाद आपको एकदम हाईफाई जॉब मिलने वाली है। जॉब तो 70,000 पर मंथ की भी लगती है और 25,000 पर मंथ की भी लगती है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको 25 पर मंथ चाहिए या 70 पर मंथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो गाइज, आपका ये मान के चलिए कि आपका 12-13 लाख रुपीज़ आपका 4 ईयर में लगने वाला है, ओनली फीस, ट्यूशन फीस जो होगी आपकी। उसके बाद 70,000 to 120,000 आपकी हॉस्टल फीस होगी, और उसके बाद में आपका जो एक्स्ट्रा स्टेशनरी का खर्चा होगा वो अलग है। रही बात स्कॉलरशिप की, तो गाइस स्कॉलरशिप तभी मिलता है जब आप प्रॉपर उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने अलग ही एक वीडियो बनाया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और जो आपका स्कॉलरशिप होता है वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि स्कॉलरशिप 4 ईयर के लिए होता है, ऐसा नहीं है, वो बस एक सेमेस्टर आपको दिया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। और जो निफ्ट स्कॉलरशिप की बात है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर बच्चे के जो निफ्टियन बनना चाहता है, जो निफ्ट करना चाहता है, उस तक ये फैक्ट ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।